जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। मार्केट में हल्की सी गिरावट अभी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में 20 मार्च के आसपास बहुत बड़ी गिरावट दिखेगी। उसका कारण मैंने चैनल पे आपको अपडेट दिया है, क्यों गिरेगी क्या गिरेगी पूरा पूरा वो जाके वीडियो देखिए। सिर्फ आपको साल में 3-4 बार ट्रेडिंग करना है, राइट, हर तीसरे महीने में, यानी विंटर एंड सोलिस्टिक्स पे, राइट। तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसका पास्ट का हिस्ट्री क्या रहा है, क्यों गिरेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसबीआई कार्ड की। एसबीआई कार्ड में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये गिरते गिरते यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे बड़े सपोर्ट इसने बनाया है। जब भी ये स्टॉक्स ऊपर जाने वाला होता है तो उसके पहले ही अपने ऐसे छोटे दो डबल बॉटम यहाँ पे बना लेता है। सेम यहाँ पे ये सिनेरियो यहाँ पे भी देखने को हमें मिल रहा है और यही एक कारण ही है जिसकी वजह से मैं स्टॉक्स आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, राइट। तो इसके पीछे का एक कारण है और वो कारण है मेरा जो एक इंडिकेटर का पर्सनल मेरा खुद का एक कोर्स है, राइट, जहां पे मैं सिखाता हूँ कि किस तरीके से कैसे स्टॉक्स को चूज करें मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और उसके साथ ही उसमें क्या टारगेट रखे, क्या एसएल रखे, राइट। और उसके पीछे है ये स्क्रीनर जहां से मुझे ऐसे प्यारे प्यारे स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, मैं फाइंड आउट कर पाता हूँ। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो इसका चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज है, राइट, जिसमें मेरी तरफ से आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी लाइफ टाइम। यानी आप कभी भी कुछ स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं कि सर इसका फंडामेंटल कैसा है क्या है, राइट। और दूसरी चीज, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, नहीं एडवाइजर हूँ, राइट। तो जो भी काम करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें, लेकिन हाँ ये बात तय है कि मैं चार्ट देखकर जरूर बता सकता हूँ कि स्टॉक्स में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे चार्ट अगर हम देखें तो एसबीआई कार्ड जब इसने कोविड के बाद एक टॉप लगाया था, राइट, वो लगाया था 1158 का। देन आफ्टर ये स्टॉक वहीं से गिरा है, उसके बाद लोअर लो ही लगा रहा है, राइट, ये सेकंड लोअर लो, तीसरा ये यहाँ पे लोअर लो एंड चौथा इसने लगाया है 792 का, राइट। तो अब ये स्टॉक्स पे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए ये स्टॉक्स में मैं एफएनओ में बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि लंबा लंबा टाइम निकल जाता है कभी कभी और ये चार्ट आपके सामने वीकली है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि ये स्टॉक्स अगर ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस बार इसका टारगेट 900 नहीं होगा, क्योंकि जो लोअर लो की ये जो श्रृंखला है ये सबसे लोअर लो सबसे पास का है। जैसे ही 784-800 के ऊपर निकलेगा यहाँ पे आप अपना कुछ 20% ले सकते हैं। अब देखिए बार बार क्या होता है ना कि इसका ये सपोर्ट था, राइट, ये इस स्टॉक का सपोर्ट था, यहाँ से इसका ये टॉप था, ये यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन ये उसके नीचे तक भी गया, 650 तक भी गया। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर ये 10-20-50 पॉइंट हो जाए तो घबराने का नहीं, क्योंकि एसबीआई कार्ड का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, राइट। तो अब अगर ये यहाँ से निकलता है, इस लोअर लो जो उसका था 800 का, इसको ब्रेक करता है तो पहला टारगेट तो आपका कम से कम ये यहीं निकल के आ जाता है 934 के आसपास का, राइट। और उसके बाद यकीन मानिए अगर ये वाली श्रृंखला को ब्रेक करेगा, ये वाली जो पोजीशंस ब्रेक करेगा, तो उसके बाद ये स्टॉक्स कम से कम 1142 एंड उसके ऊपर जा